कोरोना वायरस महामारी से आज पूरी दुनिया परेशान है और डॉक्टर हो या पुलिसकर्मी, सभी अपने घर परिवार को छोड़कर दिन रात इससे लड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ दे? इस माँ ने अपने कर्तव्य के साथ साथ अपनी ममता को भी संजोए रखा। बाराबंकी में एक महिला सिपाही अपनी नन्ही बच्ची को गोद में लेकर ड्यूटी करती है। बच्ची को लेकर ड्यूटी कर रही महिला पुलिसकर्मी प्रीति तिवारी है, जो कि महिला थाने पर तैनात है। परिवार से दूर रहने के कारण बच्ची की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। उनकी ड्यूटी इन दिनों जिला मुख्यालय पर है। वो घरों से बाहर निकलने वालों को लॉकडाउन का पालन करने की सीख देती है, साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने की बात बताती है। और उन सब में वो अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ती। इन कठोर परिस्थिति में ड्यूटी करने को लेकर पुलिस अफसरों ने भी प्रीति की सराहना की है। वहीं जब प्रीति से पूछा गया कि आप तो बच्ची की देखरेख के लिए छुट्टी लेकर घर बैठ सकती हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। इस समय तो तमाम आप लोग की ड्यूटी जगह जगह लगती होगी, आपके बच्चा आपके साथ है, कैसे आप मैनेज करती हैं? सर, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पुलिस विभाग में हैं और इतनी महामारी चल रही है ये कोरोना से संबंधित, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के उसमें दाह संस्कार में नहीं है, तो हम लोग तो सिपाही हैं, हम लोग उनके उसमें सहयोग कर सकते हैं और ये हमारा कर्तव्य भी है सर। तो बच्चे को ले कर ड्यूटी करेंगे क्योंकि हमारे पास देखरेख के लिए कोई है भी नहीं, तो हमें समस्या नहीं है। ये तस्वीरें गवाह है कि एक सच्चा पुलिसकर्मी कैसा होता है, जो किसी भी परिस्थिति में अपनी ड्यूटी से भागता नहीं है, बल्कि उसका निर्वहन करता है। न्यूज डेस्क।